ग्रामीण ही नहीं अब शहरों में कई विभिन्न क्षेत्रों में बगैर प्रैक्टिस और बगैर डिग्री होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। अनदेखी का फायदा नीम हकीम और झोला छाप डॉक्टर उठा रहे हैं, डिग्री के विपरीत इलाज कर आम जनता की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं, पर लगता है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। शहर में बगैर प्रैक्टिस और डिग्री के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर मरीज की जान से खिलवाड़ कर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर भी सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं, पर लगता है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। जबकि ऐसे मामलों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई कर ऐसे डॉक्टरों पर सख्ती करना चाहिए, पर इस तरह के मामलों में लापरवाही कर अधिकारी ऐसे फर्जी डॉक्टरों को श्रेय दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डॉक्टर महेश खाटवे का सामने आया है, जो सामाजिक कार्यों की आड़ में गलत पद्धति और डिग्री के विपरीत इलाज कर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि उन्हें उस तरह से इलाज करने की कोई जानकारी ही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वह आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर होते हुए भी एलोपैथिक से इलाज कैसे कर सकते हैं, जबकि उन्हें उस इलाज की जानकारी नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे डॉक्टर मरीजों का इलाज कर उसकी जान से खिलवाड़ करते हैं, जबकि इस तरह के इलाज करने की अनुमति स्वास्थ्य विभाग और मध्य प्रदेश शासन से सिर्फ MBBS डॉक्टरों को हैं। पर डॉक्टर महेश खाटवे होम्योपैथिक होते हुए भी एलोपैथिक से इलाज कर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्थाओं को भी सत्ता बताते नजर आ रहे हैं। ऐसे डॉक्टर अपनी डिग्री से विपरीत इलाज कर मरीजों की जान को तो खतरे में डालते ही हैं, चाहे फिर मरीज मौत के मुंह में क्यों ना चला जाए। ऐसे कई मामले शहर में आए दिन होते रहते हैं, जिसमें एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन, गलत दवाइयां और बगैर जानकारी के इलाज करने के मामले सामने आ रहे हैं, पर विभागीय कार्रवाई नहीं होने से ऐसे डॉक्टरों के हौसले भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा तो उसको लिखा हो, ये आरके जैन का डॉक्टर है तो उन्होंने पी लिया हुआ ना इसको, तो उन्होंने बाटल लिख के दी। आपके पास पर्चा है? घर पर रखा है। तो आपने बिना देखे लगा दी? नहीं नहीं, पड़ता कल से लग रही इसको। कल आज भी से लगी? अरे कल भी लगे, आज दो बार लगा। एक चीज जैसे कि देखा जाए। हाँ, वो रखी मैंने इमरजेंसी में। ये यहाँ पर क्या लगा? इमरजेंसी में रखी यार सर, ऐसा क्या? आप अरे मेरी बात सुन, वो वृद्धाश्रम कितना काम कर, मेरी बात सुनो, मेरा जो वृद्ध लोग है ना उनके लिए रखना पड़ता था। आपके अंदर आती है? नहीं आती है, लेकिन मेरे वृद्धों को तो बचाना है ना। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन सरकार बैठी है, पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, पूरी सरकार पूरा सहयोग कर रही है। सुनो पहले मेरी बात सुनो, जब भी गवर्नमेंट के डॉक्टर आए थे ना, तभी यहाँ पे अपने सब देख के गए वृद्धाश्रम में, उन्होंने और मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब हमारे लिए कोई भी सेवा तो। कौन से अधिकारी? डॉक्टर सालिया ना, ये सावलिया क्या नाम, हमारे बढ़िया डॉक्टर है।